चक्कर आ रहा है ऐसा बीपी की मशीन चल पड़ी है देखते हैं दादी का बीपी कितना आएगा लो लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है आज का मौसम कुछ ऐसा और दीदी जी हैं यहाँ पर हेलो दीदी क्या कर रहे हो आप योगा सिखा रहे हो रहे कौन सा आसन है ये जिसमें आप बैठे हो पद्मासन ओह माय गॉड दीदी कर रही है पद्मासन ओके तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से नीचे नीचे खेत में कहीं वहाँ पे मम्मा कर रही है घास साफ वहाँ पे मम्मा हेलो मम्मा जरा ला दो ऐसे हाँ तो वहाँ जा रहा हूँ मैं तो चलते हैं मम्मा के पास एंड ओके ओके जल्दी आ रहा हूँ मम्मा मुझे ला रही है जल्दी तो अभी चलते हैं वहाँ पे और फिर बताता हूँ कि क्या कर रहे हैं वहाँ पे जाके और वहाँ बहुत ज़्यादा घास हो गई ये देख रहे हो कितनी ज़्यादा घास है हरा हरा हो चुका है हर जगह तो चलते हैं लेट्स गो और उससे पहले मुझे लेना है अपना आईफोन क्योंकि नए आईफोन से तो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ खुद लेट्स गो यहाँ पर है प्यारे हेलो प्यारे ठीक हो ठीक है और दादी जी भी है यहाँ पे हेलो दादी नहीं वीडियो है बढ़िया ठीक हो आप और सब बढ़िया चलो बढ़िया ऐसा है कुछ आज घर के सामने का व्यू और यहाँ देखो रोजेज खिल चुके हैं ये रोजेज आप लोगों के लिए मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए ये वाला रोज खास कर कितना प्यारा है है ना बहुत सुंदर लग रहा है ना सो so, चलते हैं अब तो मम्मा काट रही हैं ये लंबा लंबा घास गौरी के लिए और लगा भी रही है घास खोद दुण के दुण। तो ऐसे लगा तो खोदने से लग जाता है ये उग जाता है अच्छा तो ये जड़ से जो उखाड़ा है आपने अच्छा सो ऐसा कुछ सीन है अभी का और अभी बज रहे हैं सुबह के दस ग्यारह ज़्यादा जाद से ज़्यादा और ये देखो हरा भरा हो गया ऊपर घर ये सारा फार्म वाला एरिया पूरा ग्रीन ग्रीन कितना घास है और ऐसे घास में आने से डर भी लगता है जब भी आप लोग भी ऐसे घास में आओ तो शूज़ पहन गया करो जस्ट फॉर सेफ्टी लेकिन बाकी जब जो होना है तब तो होना ही है बट फिर भी सेफ्टी रखनी चाहिए इंसान को एज ए सैड इस बार सेब भी नहीं लगे हुए थे ज़्यादा तो ये देखो यही ही सेफ है बस जो पाँच दस सेब दिख रहे हैं आप लोगों को ये देखो ये तो यही सेब लगे हैं इस बार और नीचे से जा रही है मशीन जब भी मैं ब्लॉक जाने की कोशिश करता हूँ कोई ना कोई डिस्टर्ब करता ही है मुझे देखो दे नीचे जैसी भी जा रहा है घास काट दिया मम्मा ने और ले जा रहे हैं अब ऊपर एंड अब मैं भी चलता हूँ ऊपर ऊपर देखते हैं अब कि क्या करना है शायद मम्मी ने ये घास और जगह भी लगाना है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि और कहाँ कहाँ पे लगाना है ये घास और ऊपर से एक गाय आवाज मार रही है हमसे बात कर रही है लगता है तो खेत को कहते हैं बाय बाय फार्म को कहते हैं बाय बाय जो भी कहना चाहो और चलते हैं ऊपर हरेवाइज़ इसको पता है क्या बोलते हैं रहने दो ये चीज़ें गंदी चीज़ होती है हम आए हैं दूसरे खेत में ये वाले और यहाँ पे लगी है मक्की लग रही है ऊपर मक्की लग चुकी है ये देखो कितनी बड़ी हो गई है सो घर की मक्की यमी और यहाँ पे राजमा लगे हैं शिमला के राजमा और यहाँ पर लगे हैं कौन सी राजमा मम्मा और यहाँ पे है किन्नौर के राजमा ये दिख रहे हैं आपको देखो कितने छोटो से क्यूट से राजमा किन्नौर के तो, तो कि नौरी राजमा है इज़ वेरी फेमस क्योंकि वहाँ के राजमा बहुत बड़े बड़े होते हैं और यहाँ मम्मा तो क्या कर रहे हो आप के जो हमने शिमला के राजमा लगाए ना वो चढ़ेगी ऊपर ऊपर को अच्छा भी भी जाएगी जाएगी जो तो किन्नौर के राजमा है वो तो छोटे छोटे पौधों में ही रह जाएगा और उसी में ही वो तो उगेंगे तो उसी तो में ही राजमा लगेंगे मतलब नीचे ही रहते जाते हैं और ये वाले ऊपर चढ़ जाएंगे कहीं पे भी अपने भी अच्छा मतलब बेलों में बेलों में ये हाइट पकड़ते हैं ये हाइट में जाएंगे। और, और वो नीचे में जाएंगे। लो ही रहेंगे खीर बनती है अच्छा वो पौधा है चलो बहुत बढ़िया तो मम्मा ने बता दिया आपको खेत के बारे में सारा और ये मम्मा ने खुद लगाया हुआ है तो मम्मा को नॉलेज है सारी मुझे ये मैं घास लगाने जा रही हूँ गौरी के काम आएगा ओके वहाँ पे अरबी है और वहाँ पे है अरबी सो so, ऐसा ऐसा है इस खेत का व्यू और खेत में आप लोगों को किसी और दिन दिखाऊँगा जब उनमें कुछ और लग जाएगा और भी है एक सेब का खेत भी है जो छोटे छोटे सेब लगाए हैं अभी वो किसी और दिन दिखाऊँगा आपको यहाँ से नीचे है तो उस खेत से किसी और दिन मुलाकात करूँगा और अभी जा रहा है जहाज़ ऊपर से कहीं से तो ये मेरे एयर स्पेस में घुस चुका है और यहाँ पे देखो यहाँ भी बहुत ज़्यादा उग चुके तो ये भी काटनी पड़ेगी जल्दी से जल्दी ताकि यहाँ पे साफ़ हो जाए खेत आ चुका हूँ मैं इस खेत से वापस ऊपर एंड यहाँ पर देखो यहाँ है रोज़ तो मम्मा ने क्या किया था कि रोज़ डे पर ना लोग रोज़ देते हैं तोड़ के मम्मा ने रोज़ डे पर रोज़ उगाए थे तो ये सारे रोज़ रोज़ डे पर लगे हुए ये भी रोज़ है ये भी रोज़ है ये भी रोज़ है, रोज है ये कोई और है बट ये सारे रोज़े मम्मा ने रोज़ डे पर लगाए थे तो मम्मा का जो मैसेज था वो बहुत ही प्यारा लगा मुझे फिर रोज डे पे रोज लगाओ तोड़ो मत तो मैं आ चुका हूँ वापिस सब पर फिर देखो रोजेज तो हमारे पास बहुत बढ़िया रोज गार्डन है और ये इसका क्रेडिट जाते हैं मम्मा को आपने लगाए सारे लगाए मैंने तो बहुत थोड़े से लगाए हैं बस एक दो लगाए मैंने बस जब दादी का बीपी चेक कर लेते हैं दादी की अब बीपी लो है शायद ऐसा कह रहे हैं दादी तो चेक कर लेते हैं एक बार ये है बीपी की मशीन दादी का बीपी चेक कर लेते हैं यहाँ पर रख देता हूँ

तो गाइस दादी का बीपी आया इतना हाँ दादी हल्का सा बहुत हल्का सा कम है बहुत ही हल्का मतलब ऐसे ज़्यादा फर्क तो पड़ना चाहिए ऊपर का ऊपर वाला चल हल्का हल्का है गाइस दादी का बीपी तो चेक हो गया है और थोड़ा सा कम था हंड्रेड एंड सिक्सटी दिखा रहा था और नॉर्मल होता है सेवेंटी से एट्टी के बीच एंड वन हंड्रेड फिफ्टीन से वन ट्वेंटी फोर के बीच वो नॉर्मल होता है तो अभी मैं जाऊंगा दादी जी के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने जिससे थोड़ा सा बीपी कंट्रोल हो जाएगा तो चलते हैं ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं मेरी कॉफी भी रेडी हो गई है ब्लैक कॉफी एंड दादी आपको अच्छी लगी कॉफी बढ़िया है बढ़िया है चलो ठीक है तो दादी को कॉफी पसंद आ गई है हुँ. बस पर दीदी देखो ओह माय गॉड व्हाट इज दिस दिस इज कैमल पोस्ट हां कैमल पोस्ट नहीं कैमल पोस्ट आई डोंट नो ओह माय गॉड दिस इज फॉर हेयर ग्रोथ दिस इज फॉर योर हेयर ग्रोथ गाइस योगा में क्या होता है कि जो ये पीछे को जा है ना तो जो ब्लड है वो इसके हेयर तक पहुंच रहा है तो उससे जो स्कैल्प है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी जिससे हेयर ग्रोथ होगी so आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो subscribe कर दो